जब से शहर में भाजपा के प्रत्याशी ने मेयर का पद जीता है, उसके बाद कुर्सी संभालते ही नगर निगम के कामों में तेजी लाई जा रही है। सबसे पहले तैयारी की जा रही है सफाई की, क्योंकि कूड़ा सबसे बड़ी समस्या है। इसी को लेकर नगर निगम में एक प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया है, जबकि ज्यादातर सफाई कर्मी वहीं रहेंगे जो पहले से कूड़ा उठा रहे हैं। साथ ही कुछ दूरी पर एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कूड़े से खाद बन सके। ये जानकारी देते हुए नगर निगम पर्यावरण अभियंता आशीष शुक्ला ने कई बिंदुओं को स्पष्ट किया। नगर निगम ने DTDC कार्य को अपने स्तर से सभी 70 वार्डों में प्रारंभ करने के लिए अभी 20 ऑटो टिपर नए खरीदे हैं और 15 गाड़ियां CNG की और टाटा एस गाड़ियां जो कि वर्कशॉप ने खराब खड़ी हुई थी उनको ठीक करा लिया है। 35 गाड़ियां हमारी शुरू होने जा रही हैं जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करेंगी। इसके अलावा 300 रिक्शे भी हम इस कार्य के लिए हमने लिए हैं और जगह जगह हमने 600 डस्टबिन रखवाए हैं जो कि RC कंपैक्टर द्वारा उठाए जाएंगे। ये डस्टबिन हम जहाँ भी रखवा रहे हैं वहाँ एक नीला और एक हरा साथ साथ रखवा रहे हैं, जिससे गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग सेग्रीगेट होकर के इनमें इकट्ठा हुआ रखा जाए। क्या आगे की क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से मतलब शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा? आगे की शहर की प्लानिंग के लिए हमारी योजना है कि शहर के प्रत्येक घर से, प्रत्येक कॉमर्शियल स्पॉट से हम कूड़ा वहाँ से ले लें, जिससे कि सड़क के पे या ढलाव घर पे डालने की ज़रूरत ना पड़े और हमारे प्लांट तक वो पहुँचे। साथ ही जगह जगह जो राहगीर हैं या कॉमर्शियल मार्केट प्लेस हैं उन पे जनता से इसमें सहयोग करने के साथ साथ हम लिटरिंग बिंग्स, जिससे कि जो रैपर्स वगैरह कोई पैकिंग है उसको डालने के लिए, किसी ने कुछ खाया छिलका है उसको डालने के लिए हम लिटरिंग बिंस लगा रहे हैं, उनमें उन चीज़ों को डालें। और हमारा अनुरोध ये होगा कि शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण अगले माह से प्रारंभ हो रहा है तो शहरवासी इसमें पूर्ण सहयोग के साथ शहर के सड़कों पे गंदगी को न फैलाएं और फैलने में सहयोग करें। सर एक चीज़ और जाननी थी, जो रिक्शे बनवाए जा रहे हैं किसी कंपनी को कॉन्टैक्ट दिया गया है, नगर निगम से हम बनवा रहा है? हाँ, ये एक प्रॉपर ई टेंडरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जिस फर्म का टेंडर लोएस्ट पाया गया उसको आपूर्ति का ठेका दिया गया है, उसी के अंतर्गत वो आपूर्ति का। एक लापरवाही उसमें ये है जितने भी रिक्शे हैं उनमें सभी में पुराने टायर यूज़ किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा जानकारी में आया था, रिक्शे हमारे पास अनअसेंबल्ड रूप में आए थे और उनका मैकेनिक हमारी वर्कशॉप में बैठ के उसकी असेंबलिंग करके यहीं पे वो तैयार कर रहा था। उसी दरमियान ये जानकारी में आया कि जो टायर्स आए हुए हैं वो पुराने टायरों को रिट्रेडिंग करके बनाया गया है। तो उस बात की जैसे ही संज्ञान में आया उनको कंपनी को बुला करके उनको नोटिस दिया गया और वो तत्काल उन्होंने अपनी लापरवाही और अपने मैनेजर को की गलती को मानते हुए उसे तुरंत रिप्लेस करने की का आश्वासन दिया, उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं। अभी तक हमने उसका कोई भुगतान भी नहीं किया है, इसीलिए वो जब पूर्णतः मानक के अनुसार ही पाए जाने पर भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर नगरायुक्त महोदय द्वारा एक तकनीकी जाँच समिति भी बनाई गई है, जो भी सामान की आपूर्ति होती है वो तकनीकी जाँच समिति उसका तकनीकी दृष्टि से परीक्षण करने के उपरांत अगर वो मानक के पूर्णतः अनुरूप है तभी उसके भुगतान की संस्तुति करना। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।